चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्या करना है हमको? फैक्टराइज। और एक क्वेश्चन है आपका 999 टू द पावर टू माइनस वन। इन दोनों क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। इसमें हम ये बोलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ रिपीट कर रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे जो बड़ा बड़ा नंबर रहता था उसका स्क्वायर फिर वो नंबर, उसी तरह से इसमें क्या चीज़ रिपीट कर रहा है, कोई बता सकता है? इसमें कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो, देखोगे तो क्या चीज़ रिपीट कर रहा है? एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर। एक्स भी रिपीट कर रहा है लेकिन हमको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये फोर रहने दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो तुम, तो एक्स का पावर चार आ जाएगा प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है वो रिपीट कर रहा है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये कर सकते हैं ना? एक्स का पावर चार को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, दो दुना के चार आ ही जाएगा। अब यहाँ पे रिपीट करने वाला नंबर हो गया एक्स स्क्वायर, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है ना? या जो भी मानते हो, के मानते थे, याद है, के ही मान लो। तो एक्स स्क्वायर को अगर तुम के मान लोगे तो आप क्वेश्चन बन जाएगा फोर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे के लिखोगे तो एक्स स्क्वायर तो के हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब इस के का भी स्क्वायर होगा। फिर प्लस सेवन इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे अब के है, ये एक्स स्क्वायर एक के स्क्वायर थोड़ी है, एक्स स्क्वायर के है। यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर था, इसीलिए हमने के का स्क्वायर किया। समझ रहे हो बात को? माइनस टू। अब फिर वही कहानी, फोर और टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर टू जा एट के स्क्वायर। अब उस एट का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू वन, टू इंटू टू इंटू टू इंटू वन। अब यहाँ पे देखो, ये दो लो ले लोगे और ये ले लोगे तो नहीं आएगा, दो और चार से नहीं आएगा, है ना? आप पूरा ले लो, पूरा, ये दो दुना चार दुना के आठ ले लो और एक ले लो, तो आठ और एक से सात आ जाएगा, आएगा ना? अब पहले एक्स एक्स जोड़ते थे, अब के स्क्वायर है यहाँ पे तो के जोड़ेंगे, और इसमें हम एट के में प्लस रखेंगे और वन के में माइनस, तो सेवन के आ जाएगा, तो फोर के स्क्वायर प्लस एट के माइनस वन के और माइनस टू, इन दोनों में क्या कॉमन है? फोर और के कॉमन है, क्या बचेगा आपका? के बचेगा प्लस फोर टू जा एट माइनस वन कॉमन ले लेंगे, यहाँ के बचेगा और प्लस टू, तो यहाँ से आपका के प्लस टू कॉमन और यहाँ पे आपका फोर के माइनस वन कॉमन। आंसर केवल यही नहीं लिख के छोड़ देंगे, के आपके घर से आया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ी था, आपने घर से माना है ना आपने कि एक्स स्क्वायर को के मान लेते हैं, है ना? तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू को प्लग इन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी, के का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, तो के जगह पे आप एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, और फिर यहाँ फोर के है तो फोर इंटू के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे फर्दर फैक्टराइज होगा, मतलब कि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे, तो हम कहेंगे इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा किए हो तुम, याद करो, इस फोर एक्स स्क्वायर को हम टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस वन का होल स्क्वायर को माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
है ना, चार एक्स स्क्वायर को हम टू एक्स का स्क्वायर लिख दिए तो दो दुना के चार एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, और वन को वन का स्क्वायर लिख दिए तो वन इंटू वन ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा अब चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों फार्मूला आपको बताया गया है, चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर क्या होता है जी, वाह क्या बात है, तुम लोग भी अब याद कर ही लिए हो ना, चच्चा प्लस मम्मा इंटू चच्चा माइनस मम्मा, है ना, चच्चा लिखियो तो चच्चे लिखोगे, चाचा लिखोगे तो चाचा लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि आप क्या करो कि स्क्वायर को भूल जाओ, चच्चा के स्क्वायर को, बस चच्चा मम्मा को जोड़ो और चच्चा मम्मा को घटा दो, तो उसी तरह से स्क्वायर को भूल जाओ, चच्चा का काम कौन कर जाएगा 2x और मम्मा का काम 1 कर जाएगा, इसको तो प्रिंट करना है, उतार दिए, चच्चा मम्मा कौन है तो 2x और 1, चच्चा मम्मा जोड़ दिए और चच्चा मम्मा को घटा देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये फाइनली फैक्टराइज हो गया 4x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, समझ में आया। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 को देखो, क्वेश्चन नंबर 66 में ध्यान से देखो तो हम लोग 999 का होल स्क्वायर तो है ही, अब माइनस 1 को हम लोग माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा स्क्वायर वाली कहानी है, ध्यान से देखो, तो चच्चा हमारे 999 है और मम्मा हमारे 1 है, इसको चच्चा का स्क्वायर मान सकते हैं, माइनस मम्मा का स्क्वायर मान सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं, चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा माइनस मम्मा, क्योंकि चच्चा का नाम 999 है और मम्मा का नाम 1 है, समझ रहे हो ना। तो इसको जोड़ोगे तो 999 में 1 जोड़ दोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1 घटाओगे तो 998 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है हमको, तो 998 पे 3 को 0 बढ़ा देंगे। अब तुम सोचो कि इसी क्वेश्चन को तुम ऐसे बनाते, 999 का स्क्वायर पहले करते या फिर माइनस 1 करते तो क्या होता, 999 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता दो बार, तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो सोचो तीन अंकों का मल्टीप्लाई है, वैसे एक लाइन में बताया हुआ है कि कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा आसान ये है। क्यों आसान है, क्योंकि 1000 का गुना 9998 में कर देना है कि नहीं, और 1000 का गुना करना बड़ी आसान होता है, 3 को 0 बिठा दो केवल। तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको यूज करके बनाना यहाँ पे आसान है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3C, अगर फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो।